ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ प्रीति गुप्ता, वेलकम टू माय एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स का रह गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है जो हेडिंग है हमारा FORM, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो नीचे प्रॉब्लम्स मैं अब लिखूंगी, उनको हमने उनकी लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनके जो सॉल्यूशन है हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर मेथड का नेम मेंशन है, तो वी हैव टू अप्लाई ओनली एंड ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स। एक बात का ध्यान रखना, जो टाइम्स होता है, टाइम्स का मतलब हमें मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। द अदर, फाइंड देम, हमने वो नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम नंबर्स को एज्यूम करेंगे, लेट वन नंबर बी एक्स, अदर नंबर दैट इज वाई। हमने दो नंबर्स को एज्यूम कर लिया। अब पहला क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ये बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स क्या है हमारे, x और y, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस कितना है। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, इज मीन्स इज इक्वल टू, कितना है 26। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, राइट। आगे क्या कहता है, आगे बोलता है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x, इज मीन्स अभी आपको बताया इज इक्वल टू, 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, अदर नंबर क्या है हमारा y, तो इसे x इज इक्वल टू, जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे y से वो आ जाएगा 3y। देखिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने पीछे भी हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप पीछे जो मेरी वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, हमने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट मीन्स पुट करना है। हमारे पास x की ये वैल्यू आ चुकी है, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, देखिए पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है पहले वो लिखेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 26, राइट। अब देखिए x की वैल्यू तो हमने पुट करनी है, x कितना है हमारा 3y, इसकी जगह हमने x की जगह 3y पुट कर दिया, माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करेंगे तो 2y आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो जो y की वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई है 30, ठीक है। y की वैल्यू आ चुकी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ लिखिए पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिखनी है, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस y इज इक्वल टू 26, x माइनस y आ चुका है हमारा 13 इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26, जो माइनस है उधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 13, तो ये कितना आ गया 39। तो x कितना आया हमारा, x हमारा आया है 39 और y आया है हमारा 13। सो लास्ट में लिख देंगे देयरफोर रिक्वायर्ड, जो हमने फाइंड आउट किए हैं नंबर्स आर, क्या हो जाएंगे वो हमारे, x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है सॉल्व 2x + 3y = 11। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है अक्सर एंड 2 or 3 marks के लिए इंपॉर्टेंट है। 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन हम इन दोनों इक्वेशंस, पहले इनको नेम देंगे, इक्वेशन नंबर 2x + 3y = 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24, इसको दिया हमने सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से चाहे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे आप y की वैल्यू निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं, 3y = यहाँ पर क्या है देखिए, फर्स्ट इक्वेशन 3y = 11 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है। ये जो 2x है ये प्लस का है, उधर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी y की वैल्यू कितनी आई, 11 - 2x / 3। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट y = 11 - 2x / 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 क्या है हमारी, इक्वेशन 2 है 2x - 4y = -24। देखिए 2x - 4y की वैल्यू हमने पुट करी 11 - 2x / 3 = -24। ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल इजी स्टेप है, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। 2x माइनस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को दोनों से। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 4 = 44, 4 × 2 = 8x / अभी हम साइन नहीं चेंज कर रहे, मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे फिर साइन चेंज होगा। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, इधर हमारा ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर है, अपॉन 1 कीजिए, एलसीएम लीजिए। सबसे पहले 1 को 3 से डिवाइड किया, 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आएगा। अब मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, जब कभी ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं। ये आ जाएगा -44 + 8x = -24। यहाँ तक समझ में आया, अब आगे देखिए, 6x + 8x कितना आएगा, 14x - 44 = ये जो 3 डिवाइड में है उधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, -24 × 3, तो क्या आ जाएगा, 14x - 44 = -4 × 12 = 6 × 1 = 7, ठीक है। अब ये 14x = -72, ये जो -44 है उधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, +44, राइट। तो 14x = जब आपको बताया हुआ है, ये देखिए ये -72 है, ये +44 है। कभी भी साइन ऑपोजिट हो, हमने करनी सब्ट्रैक्शन होती है, बड़ी में से छोटी को माइनस करना होता है, कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ से 6 बचा, 6 में से 4 गया 2। साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है, 72 बड़ा है कि 44, 72 बड़ा है, 72 का साइन क्या है, माइनस, तो ये आ जाएगा -28। एक्स की वैल्यू निकालिए, ये जो 14 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 14 कीजिए, 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2, ठीक है। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट x = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट चेक कीजिए क्या है, 2x + 3y = 11, या इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 2x + 3y = 11, पुट कर दें इसमें, x की वैल्यू हमारी -2 + 3y = 11, ये आ जाएगा -4, 2 को 2 से किया, +3y = 11, y की वैल्यू
निकालनी है। सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट, ये जो माइनस फोर है उधर, इसको राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थ्री वाई इज इक्वल टू 15। ये जो y 3 मल्टीप्लाई में है उधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3। कितना आ गया, 3 5 ज़ा 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, माइनस 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5। आगे देखिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा था। ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा, कहता है सॉल्व दिस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे उसने बोला है हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, ये आपको गिवन है। इसमें क्या करना है, आपने x की वैल्यू पुट करनी है और y की, आपकी m की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ये है, ये है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। यहाँ लिख दीजिए पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू कितना आया था, 5, राइट। पुट कीजिए इसको, तो y कितना है हमारा, 5 इज इक्वल टू m हमें निकालना है, x कितना है माइनस 2 प्लस 3। तो 5, ये जो 3 है उधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 5 माइनस 3 कितना होगा, 2, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2m इज इक्वल टू 2, मैंने कोई साइन नहीं चेंज किया, सिर्फ हमने m की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसको लेफ्ट पे लिखा है पूरी डिजिट को, राइट। m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू जो माइनस 2 आपका मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 वन ज़ा 2, तो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर by 18 degrees, find them। ये हमारा क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 degrees, find them। फाइंड करना है हमने क्या एंगल्स, तो पहले हम लेते हैं लेट द लार्जर एंगल बी, हम उसको x डिग्री मान लेते हैं, एंड द स्मॉलर एंगल भी कितना है वो y डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, देखिए वो कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सबसे पहले लार्जर एंगल जो x है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, वो कितना ज़्यादा है, वो है हमारा 18 डिग्री से। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन देखिए वो क्या कह रहा है, यहाँ पर उसने एक वर्ड यूज़ किया है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे अगर हमारे सपोज एक एंगल आपको 100 का गिवन है, कहता है फाइंड द अदर ऑफ सप्लीमेंट एंगल, तो आपको पता है क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक एंगल 100 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 80 डिग्री, जब इसको प्लस करोगे 180 तो आएगा। तो इसीलिए सप्लीमेंट्री एंगल की इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दूसरा इक्वेशन हो गई। अब लेकिन ऊपर मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन को, हमेशा क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन लेंगे हम, पहली इक्वेशन में हम x की वैल्यू निकालते हैं, पिछले में मैंने y की निकाली थी, इसमें मैं आपको x की निकाल दी थी, जैसे मर्जी निकाल लो, आप चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 माइनस वाई जो है प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन टू, राइट।
इक्वेशन टू क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की जगह आ जाएगा हमारा 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा 18 प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो ये 18 डिग्री है, 18 है ये प्लस का है, उधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2 6 1 y इज इक्वल टू, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। 102 डिवाइडेड बाय 162 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ऐसे कैंसिल कीजिए, 2 1 2 2 8 जा 16 2 1 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 81 डिग्री, ठीक है। अब पुट कर दीजिए, बस सिंपल सी बात है, पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। x माइनस वाई कितना है हमारा, 81 आया है, इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x कितना आ गया हमारा, 18 प्लस 81, माइनस जो है उधर आकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x कितना आ गया हमारा, 8 प्लस 1 9 8 प्लस 1 9। तो देयरफॉर x कितना आया हमारा, 99 डिग्री, और y कितना आया, 81 डिग्री। तो लास्ट में आप लाइन लिख देंगे, इस तरह करो, यहाँ पे आएगा, देयरफॉर एंगल्स, या एक काम करो, देयरफॉर हमने अज्यूम किया था लार्जर और स्मॉलर एंगल, देयरफॉर लार्जर एंगल x इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट करना है, एंड द स्मॉलर एंगल y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब देखिए इसका सम चेक कीजिए, अगर आप 99 और 81 को प्लस करते हैं, देखिए कितना आता है, 9 और 1 10 9 8 7 18 आ गया 180 डिग्री। तो मींस ये हमारा क्वेश्चन ठीक है, ये आप चेक करने का एक तरीका है, राइट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, दिस इज द क्वेश्चन, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, चार्ज टुगेदर विद द चार्ज, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, और सेकंड पार्ट वो पूछता है, हाउ मच MUCH, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है। क्वेश्चन देखिए एक बारी, क्वेश्चन को रीड कीजिए, आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कहता है। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। आगे देखिए, कहता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105। दूसरी चीज़ क्या बोलता है,
फॉर आर दिस जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155. नाउ व्हाट आर द फिक्स चार्जेस? एक तो उन्होंने क्या पूछा है, एक तो उसने पूछा है, एक तो फिक्स चार्जेस बताने हैं, एक तो फिक्स चार्जेस पूछा है और दूसरा पूछा है चार्जेस पर किलोमीटर. पहले इतने पार्ट को करते हैं. लेट, हम रिज्यूम करेंगे, लेट द फिक्स चार्जेस, जो उसने पूछा है हम उसी को रिज्यूम करते हैं. लेट द फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी दैट इज रुपीस एक्स पर, दिस इज एक्स, रुपीस एक्स पर किलोमीटर. और दूसरा उन्होंने क्या पूछा है, चार्ज, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, मींस रनिंग चार्जेस. यहाँ उसने बोला ना फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, इसका मतलब है ये रनिंग चार्जेस होंगे, जितना हम चलेंगे उसके हिसाब से चार्जेस होंगे. तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे रनिंग चार्जेस. लेट द रनिंग चार्जेस वो क्या रहेंगे हमारे, दैट इज रुपीस वाई किलोमीटर पर आवर. यहाँ तक समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जैसे जैसे वो बोल रहा है उस हिसाब से करते जाइए. पहला उसने क्या बोला, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105. देखिए हमने फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी से गए वो तो एक्स ही है. डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मतलब हमारे रनिंग चार्जेस हैं वो हमने क्या माना था, वाई, वाई को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10y आ जाएगा. उसके लिए कितना उसने बताया है, कितने रुपीज़ लगे हैं, 105 रुपीज़. ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, दूसरा क्या कहता है पढ़िए, फॉर आर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर. अब 15 किलोमीटर की जर्नी है लेकिन टैक्सी वाली हमारी फिक्स्ड है, वो हमारी एक्स ही रहेगी. उसके लिए कितने चार्जेस पे कर रहे हैं, 155. तो इसका क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 15 को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15y इज इक्वल टू 155. ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन. हेडिंग में स्टार्टिंग में लिखा था क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है. ठीक है, तो इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन लेंगे. पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए 105, ये जो प्लस 10y है ये इधर आके माइनस हो जाएगा. इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन टू. और इक्वेशन टू क्या है हमारी, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. यही है हमारी, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं. x है हमारा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. ये हमारा, देखिए y y को सॉल्व करेंगे, हमारी बड़ी डिजिट है, 15 में से 10 गया 5y, बड़ी डिजिट का साइन प्लस का, इज इक्वल टू 155. ये जो प्लस का 105 है ये उधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 105. तो 5y इज इक्वल टू, 5 में से 5 के 0 ये आ जाएगा 50. y इज इक्वल टू, ये जो 5 मल्टीप्लाई में है ये उधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में. 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 10. तो y की वैल्यू आ गई 10. ये जो y हमारा 10 आया है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट. और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. x प्लस 10y कितना है हमारा, 10 इज इक्वल टू 105. x प्लस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा और x इज इक्वल टू 105. ये जो प्लस का 100 है उधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 100 में. तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5. ठीक है, ये तो हमारे अभी फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ है. आगे देखिए उसने क्या पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा. तो यहाँ लिखेंगे आप टोटल चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, कितना है 25 बताया उसने, 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखिए
जो फिक्स चार्ज है वो तो सेम ही रहेगा हमारा, फिक्स्ड हमारा एक्स ही रहेगा, और 25 किलोमीटर का वो रनिंग चार्जेस बोल रहा है, तो 25 को वाई से मल्टीप्लाई करोगे 25 वाई आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स कितना आया हमारा, 5 प्लस 25, वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, वो आई थी 10, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, 5 प्लस 25 को 10 से करेंगे 250 आ जाएगा, 250 में 5 ऐड करेंगे तो 255 रुपीज़ आपका आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, हैंस, जब तक आप लास्ट में से कंप्लीट नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन अनकंप्लीट रहेगा। हैंस द फिक्स चार्जेस इज रुपीज़, फिक्स चार्जेस मीन्स एक्स जो हमने माना था कितना आया एक्स हमारा, एक्स फिक्स चार्जेस हमने एक्स माने थे, एक्स कितना आया है हमारा, फाइव। हैंस द फिक्स चार्जेस इज रुपीज़ 5, द रनिंग चार्जेस पर किलोमीटर इज, वो हमने कितना माना था वाई, वाई कितना आया हमारा 10, इज रुपीज़ 10। एंड तीसरी चीज़ उसने टोटल चार्जेस पूछे थे, टोटल चार्ज फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज, वो कितनी आई है हमारी रुपीज़ 255। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 या 4, इट इज 5। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल माई अकेडमी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई अकेडमी यूट्यूब चैनल, राइट। क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर and the denominator, full stop, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताती हूँ, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन किससे मिलके बनती है, जिसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है, ठीक है, तभी फ्रैक्शन बनती है ना। तो हम लेते हैं, लेट न्यूमरेटर, उसको लिया हमने x, लेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हुआ y, देयरफोर फ्रैक्शन जो हुई हमारी क्या हुई, दैट इज़ x अपॉन y, ठीक है। अब पहला देखिए, कहता है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में x न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन रही है हमारी, 9/11। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमें लीनियर इक्वेशन में इसको पहले लेकर आना है, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2, राइट, ये आ जाएगा 11x प्लस 22, 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 9 to the 18, तो ये हो गया हमारा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 12 में से हट के 4, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे क्या कहता है वो, आगे देखिए, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
इक्वेशन हमारी फ्रैक्शन क्या बनती है, 5/6। 3 इज एडेड, मतलब न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन कितनी बनती है हमारी, 5/6। तो ये भी हमारा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, 6x+3 इज इक्वल टू 5y+3, 6x+6 = 18, 5y+5 = 15, तो जगह 6x-5y इज इक्वल टू 15-18, तो 6x-5y = -3। ये हमारी एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन से चाहे x की वैल्यू निकाल दीजिए चाहे y की वैल्यू निकाल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन टू हम यहाँ से क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लें। चलो ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो 6x माइनस का उधर आके प्लस हो जाएगा और 5y जो माइनस का इधर आके +5y हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालनी है, y हो जाएगा 6x+3, ये जो 5 मल्टीप्लाई में है ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आ गई, इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 6x+3/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 11x-9y इज इक्वल टू -4। इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं, 11x-9y कितना है, y है 6x+3/5 इज इक्वल टू -4। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 9 को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 54x+9 27/5 = -4। सॉल्व करने से पहले इसका एलसीएम लिया जाएगा ताकि क्वेश्चन ना गलत हो, 5 11 5 55। अब मैं माइनस का, अब मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, ब्रैकेट से पहले बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -54x-27 इज इक्वल टू -4, राइट। अब देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, 55x-54x, x आ जाएगा -27 इज इक्वल टू, ये जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x-27 इज इक्वल टू -20, तो x इज इक्वल टू -20, ये जो माइनस है माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो x इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 7। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो x हमारा 7 आया है इसको सबपुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी यही है ना, यस, 11x-9y = -4, 11x-9y = -4। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 11x कितना है, 7-9y = -4, 77-9y = -4। तो ये -9y = -4, ये जो प्लस का है 77 उधर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -9y = -7 4 11 81, y = -81, ये जो मल्टीप्लाई में है ये राइट हैंड साइड मूव करके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 9 9 9 89, y = 9। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, अभी देखिए x 7 आया है, x = 7 और y कितना है, 9। हमें तो फ्रैक्शन में निकालना है, तो लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, हमने क्या माना था x/y, तो हो जाएगा 7/9। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। कोई भी क्वेश्चन आप बुक से उठाइए, किसी भी बुक से आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अपने डाउट्स क्लियर करके चलिए और हमारे चैनल माय एकेडमी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग देख सकें, समझें, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई अकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस।